ये सब जो किस्सा हुआ था तो आप मोदी जी के पास उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि ये क्या हुआ तब तो उस टाइम जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना प्रिंसिपल के पास जाके बोलते हैं कि फेल हो गए ऐसे हुआ था आपके साथ नहीं बिकॉज uh, हर चीज तो उनको पता ही थी ना देखिए जो कुछ हो रहा था वो उनके नजरों के सामने ही हो रहा था और शरद पवार जी दिल्ली भी गए थे शरद पवार जी ने फैसला बदलने के बाद उनकी मुलाकात की फैसला बदलने से पहले जब हमारे साथ आने का फैसला किया था तब उन्होंने पीएम साहब की मुलाकात नहीं की थी मतलब फैसला बदलने के बाद वो मिलने को गए प्रधानमंत्री ने आपसे पूछा नहीं कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक कहा जो मुझे पता है कि मतलब देखिए आई वॉज नॉट प्रेवी टू दैट कन्वर्सेशन पर जो मुझे ध्यान में आता है तो शायद उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं नहीं हम आना तो चाहते थे फिर पार्टी में लोग नहीं मान रहे थे ऐसे ऐसी बातें मैंने सुनने में आई है मेरे मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ पॉडकास्ट के दौरान मेंटल हेल्थ के बारे में आ, क्योंकि प्रेशर्स बहुत होते हैं आपके आ, काम में हमारे काम में भी होते हैं लेकिन आपके में तो ऑल द मॉर बिकॉज यू आर आंसरेबल टू मिलियंस ऑफ पीपल तो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में हमेशा पूछती हूँ कि जब ऐसे क्राइसिस होते हैं तो आप वॉट डू यू डू टू कीप स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कि हाँ क्योंकि अगर एक्सेसिवली एक्साइट हो जाते हैं या फिर एंगर uh, में कोई डिसीजन लेते हैं तो लोगों के का भला नहीं होता बेसिकली uh, आपको पेशेंस कल्टिवेट करना पड़ता है ये कोई पहले दिन से होता नहीं है बट मुझे याद है कि वेल आई वाज अ यंग कॉरपोरेटर मैं किसी एक उस समय के मिनिस्टर के पास गया था जो हमारी पार्टी का नहीं था और तब मिनिस्टर बहुत बड़ा व्यक्ति हमको लगता था कि भई मिनिस्टर मतलब आफ्टर गॉड मिनिस्टर तो कई लोग वहाँ उनको घेर करते कोई उनसे बातचीत कर रहे थे कोई आपने ये नहीं किया आपने वो नहीं किया वो बहुत पेशेंटली सबको जवाब देते थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर फिर लोग गए फिर मेरे से बातचीत की मैंने उनको पूछा कि आपके साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते तो आपको गुस्सा नहीं आता तो उन्होंने मुझे कहा कि गुस्सा करके क्या फ़ायदा है देखो मैं जिस फैमिली से आता हूँ उस फैमिली में मेरा एक कल्चर है मेरे पिताजी आज भी सूत काटते हैं तो ये लोगों को इसी बात में खुशी है कि हमने मिनिस्टर को गाली दे दी तो खुशी मिलने दो क्या फ़र्क पड़ता है तो वो मेरे लिए एक मंत्र था उस दिन से मैंने अपने पेशेंस को बढ़ाया और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बिकम अ पेशेंट पर्सन दुनिया में कभी कभी पेशेंस लूज भी होता है हर एक का होता है मेरा भी होता है पर ये जो एक पेशेंस आप में आता है ना ये चीज़ें टॉलरेट करवाता है आपसे और ये प्रेशर को भी टॉलरेट करवाता है